नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं टिप्स बाय गी। दोस्तों, नेट पे आजकल एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है जो कि वाइड लैंड सपोर्ट है। तो ये टॉपिक पोको F1 के लॉन्च होने के बाद ही मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग आया था कि पोको F1 में वाइड लैंड DRM L3 नहीं है, जबकि इसके अंदर वाइड लैंड DRM L1 नहीं है, जबकि इसके अंदर ये चीज़ होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वाइड लैंड जो चीज़ है वाइड लाइन जो चीज़ है, ये एक तरह का इंक्रिप्शन मेथड है जो एक सर्टिफाइड करता है कि आपकी वीडियो स्ट्रीमिंग जब आप करते हैं तो कितना सिक्योरली आपके डिवाइस के अंदर वो वीडियो स्ट्रीमिंग होके आ रही है। तो ये कुछ कुछ सर्विसेज जो पेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आपका हॉटस्टार है, आपका अमेजन प्राइम है, इन दोनों के अंदर या और भी ऐसे जो काफ़ी सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके अंदर ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो वाइड लैंड DRM अगर सपोज आपके फ़ोन में नहीं है या वाइड लैंड DRM आपके फ़ोन में L3 है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो दोस्तों, वाइड लैंड जो है ये बेसिकली तीन टाइप की हैं। पहला आपका वाइड लैंड L1 लेवल है, फिर वाइड लैंड L2 लेवल है, फिर वाइड लैंड L3 लेवल है। तो दोस्तों, जो वाइड लैंड है इसमें जो लेवल 1 होता है ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप फुल HD तक की वीडियो आप स्ट्रीम कर सकते हैं, और L2 के अंदर आई थिंक आप HD तक की वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, और L3 के अंदर आप 560p तक की वीडियो को स्ट्रीम कर सकते हैं। तो इससे क्वालिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है? टेक्निकली तो फ़र्क पड़ता है, बट प्रैक्टिकली उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोको का जो फ़ोन है इसमें मैंने 560 इसमें तो खैर वाइड लैंड DRM L3 है, और इस पे 560p पे मैंने नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम यूज़ किया है, तो मुझे उतना कुछ खास फर्क नहीं पता चला कि वाइड लैंड होने से ना होने से कुछ ऐसा खास फर्क पड़ रहा है। तो अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो ऐसी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इससे उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता आपके फ़ोन के अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट 560p पे जब किसी प्रीमियम सर्विस को आप चेक करते हैं या यूज़ करते हैं तो क्वालिटी ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी होती है आपकी। तो 1080p और 560p पे उतना फ़र्क नहीं पता चलता, और टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और सबसे बड़ी बात कि इससे आपके YouTube पे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि YouTube वाइड लैंड DRM सर्टिफिकेट को सपोर्ट ही नहीं करता है। तो इस पे अगर आपके फ़ोन HD या 4K सपोर्ट करता है और YouTube पे आप कोई ऐसी वीडियो देखते हैं जो फुल HD या 4K की रेजोल्यूशन के साथ है तो आप उसको इजीली देख सकते हो, उसमें ऐसा कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, बस इतनी इस वीडियो में आपको बस आपसे बस इतनी ही बात करनी थी। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो उसको प्लीज़ शेयर भी कर देना, और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज थोड़ा मेरे लिए भी सपोर्ट हो जाएगा। और अगर हाँ, आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं उस पर अपनी राय दूं या आपको चीज़ के बारे में बताऊं, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।